नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल है सीमेंट। आमतौर से सीमेंट जो भी यूज़ किया जाता है वो मेजर दो टाइप्स के सीमेंट हैं, एक है OPC और दूसरा है PPC। OPC का मतलब है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और PPC का मतलब है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। अब ये दो सीमेंट में क्या डिफरेंसेस है ये हम आज डिटेल में देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन OPC एंड PPC सीमेंट। अभी व्हाट इज OPC सीमेंट? OPC सीमेंट जो जनरली यूज किया जाता है, तो सिर्फ भारत में ही पूरी दुनिया में भी यूज किया जाता है, OPC का लॉन्ग फॉर्म है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जनरली इस OPC सीमेंट के बैक पे जो ISI मार्क रहता है ब्लैक कलर में रहता है। और ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मोस्ट पॉपुलर सीमेंट है कंस्ट्रक्शन में, सारी मतलब भारत में पूरी दुनिया में यूज किया जाता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये पोर्टलैंड नाम कैसे आया? ये पोर्टलैंड नाम एक ब्रिटिश सीमेंट मैन्युफैक्चरर था, जोसेफ एस्पडिन, उसने दिया है 1824 में। ये बहुत ही स्ट्रांग रिसेम्बलेंस था पोर्टलैंड स्टोन के लिए। ये पोर्टलैंड स्टोन मतलब एक टाइप का एक वाइट और ग्रे कलर का लाइमस्टोन है। इसके लिए ये जोसेफ एस्पडिन इसने ये पोर्टलैंड नाम दिया है। ये जोसेफ एस्पडिन ये जो है इसने पूरा मतलब उसको क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि इसके इस टाइप का ये पहले टाइप का ये आर्टिफिशियल सीमेंट उसने इन्वेंशन किया और उसकी को उसने बाद में पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया। अभी PPC सीमेंट क्या है? अब PPC सीमेंट मतलब पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट PPC, ये जनरली इसके सीमेंट बैग के ऊपर जो ISI मार्क रहता है वो रेड इन कलर रहता है, जबकि OPC में ब्लैक में रहता है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट ये कैसे तैयार किया जाता है? तो एक पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर और आर्टिफिशियल पोजोलाना या फिर जिसको हम फ्लैश बोलते हैं, ये दोनों का एडिशन करके इसमें जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट ऐड किया जाता है और ये मिक्सचर करके तैयार किया जाता है। इसमें फ्लैश बहुत ही फाइन टाइप का मटेरियल है, मेनली इसको एक टाइप से ऐसे बनाया जाता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली और मैकेनिकली एग्जॉस्ट गैस से जो थर्मल पावर स्टेशन वगैरह है इससे ये फ्लैश बनता है। तो फ्लैश का मटेरियल उस हिसाब से बनता है जो PPC में यूज किया जाता है। फिर 1525% का फ्लैश है वो जनरली मिक्स किया जाता है और 65-75% पोर्टलैंड क्लिंकर और 3-6% जिप्सम, यानी ये तीनों का मिक्सचर बन के PPC बनता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन OPC एंड PPC सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। इधर आप देख सकते हैं, इधर एक जस्ट रेफरेंस के लिए एक सीमेंट बैग दिखाया है, ये OPC का है और ये PPC का है। OPC क्या है? एक मिक्सचर लाइमस्टोन और अदर रॉ मटेरियल्स, मेनली एग्रीसिलियस कैल्सरियस जिप्सम, ये पूरा का मिक्सचर रहता है। ये पूरा मिक्स करके बाद में ग्राइंड करके उसको OPC बनाया जाता है। और PPC क्या है? PPC ये पोजोलैनिक मटेरियल्स ऐड करके OPC को इसमें मेनली कंपोनेंट्स OPC क्लिंकर मतलब पोर्टलैंड क्लिंकर, जिप्सम और पोजोलैनिक मटेरियल्स जैसे फ्लैश वगैरह है, ये सब ऐड करके बनाया जाता है। इनिशियल स्ट्रेंथ जो OPC का है ये PPC से हायर रहता है, जबकि PPC का इनिशियल स्ट्रेंथ OPC से मतलब PPC हायर स्ट्रेंथ देन OPC ओवर अ लॉन्गर पीरियड, मतलब लॉन्ग टाइम में इसका स्ट्रेंथ है OPC से ज्यादा रहता है। अब ये हीट ऑफ हाइड्रेशन,
इसमें ओपीसी सब ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है कंपेयर टू पीपीसी। इसके लिए ये मास कास्टिंग के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं माना जाता, जबकि पीपीसी ये इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन वेरी स्लो प्रोसेस है, इसलिए ये कम हीट जनरेट करता है कंपेयर टू ओपीसी। अब ड्यूरेबिलिटी, ओपीसी क्या है, वो लेस ड्यूरेबल एंड एग्रेसिव वेदर, जो वेदर एग्रेसिव रहता है वहाँ ये ड्यूरेबिलिटी इसकी कम हो जाती है, जबकि पीपीसी का मोर ड्यूरेबल इन एग्रेसिव वेदर। कॉस्ट कंपैरिजन में देखेंगे तो ओपीसी है कॉस्टलियर देन पीपीसी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, फिर भी ये कंपैरिजन में कॉस्टली है, और इसका पीपीसी है ये चीपर देन ओपीसी। जैसे ओपीसी का कॉस्ट मान लीजिए 300 रुपीस पर बैग रहेगा, तो इसका पीपीसी का अप्रोक्सीमेटली 290-295 ऐसा, मतलब पीपीसी से ओपीसी कॉस्टली है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के हिसाब से देखेंगे तो ओपीसी है ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसके बनाते समय ज़्यादा सी ओ टू बाहर छोड़ता है, जबकि पीपीसी में ये नेचुरल और इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूट करके इसको इको फ्रेंडली करता है, मतलब ज़्यादा सी ओ टू बाहर नहीं छोड़ता। एप्लीकेशन मेनली ओपीसी है जनरली फास्ट कंस्ट्रक्शन जहाँ है वहाँ सुटेबल है, बट मास कॉन्क्रीटिंग के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, हीट ज़्यादा जनरेट करता है। और ये पीपीसी का एप्लीकेशन ये ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल है, जैसे आरसीसी कास्टिंग ऑफ बिल्डिंग है, मास कॉन्क्रीटिंग ब्रिजेस है, प्लास्टरिंग और नॉन स्ट्रक्चरल वर्क, इसके लिए भी सूट होता है। सेटिंग टाइम, ओपीसी का सेटिंग टाइम पीपीसी के कंपेयर में लोअर है, इसका जनरली सेटिंग टाइम 30 मिनट है, और इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 280 मिनट है। इसका फास्टर सेटिंग टाइम की वजह से कंस्ट्रक्शन फास्टर होता है। पीपीसी का सेटिंग टाइम ये ओपीसी से ज़्यादा है, और इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट है, जबकि फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट है। इसका स्लोअर सेटिंग टाइम की वजह से फिनिशिंग वगैरह वर्क में ज़्यादा यूज होता है। फाइननेस, ओपीसी का फाइननेस है 225 स्क्वायर मीटर पर केजी, और इसका लोअर फाइननेस है कंपेयर टू पीपीसी, तो इसका परमेबिलिटी भी हाई है और ड्यूरेबिलिटी उसका ड्यूरेबिलिटी थोड़ा कम होता है। ओपीसी इस पीपीसी का फाइननेस 300 स्क्वायर मीटर पर केजी है और हाइयर कंपेयर टू ओपीसी है इसका फाइननेस, सो इसका जो लोअर परमेबिलिटी है इसकी वजह से इसका ड्यूरेबिलिटी हायर हो जाता है। अभी ग्रेड्स, ग्रेड्स अवेलेबल में इसमें 33 ग्रेड है, 43 ग्रेड है, 53 ग्रेड है, अलग अलग ग्रेड्स ओपीसी में है, जबकि पीपीसी में स्पेसिफाइड ऐसे कोई ग्रेड अवेलेबल नहीं है। वर्कएबिलिटी, वर्कएबिलिटी ओपीसी की लोअर देन पीपीसी है, जबकि पीपीसी की हायर देन ओपीसी है ऑर्डिनरी पॉपुलेशन में। अभी रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक, ओपीसी हैज लोअर रेजिस्टेंस अगेंस्ट अल्कली सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, जबकि रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक और पीपीसी हैज हायर रेजिस्टेंस, पीपीसी में रेजिस्टेंस हायर है अगेंस्ट अल्कली सल्फेट एंड क्लोराइड्स कंपेयर टू ओपीसी। ओपीसी 3 दिन में 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव करता है,
जबकि पीपीसी 3 दिन में 29 न्यूटन पर मिलीमीटर स्ट्रेंथ अचीव करता है। 7 दिन में ओपीसी 43.5 मिलीमीटर न्यूटन पर मिलीमीटर अचीव करता है, मिलीमीटर्स पर स्ट्रेंथ अचीव करता है, जबकि पीपीसी 7 दिन में 39.9 पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ अचीव करता है। 28 डेज में ओपीसी 55 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ अचीव करता है, जबकि 28 डेज में पीपीसी 56.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्ट्रेंथ अचीव करता है। तो इस हिसाब से स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हम देख लेंगे। आईएस कोर्स मेनली ओपीसी में 33 ग्रेड के लिए आईएस 269, 43 ग्रेड के लिए आईएस 8112 और 53 ग्रेड के लिए आईएस 12269 यूज किया जाता है, जबकि आईएस कोड यूज फॉर पीपीसी 1489 पार्ट 1 एंड 2 1991। ओपीसी इन केस ऑफ ओपीसी रेजिस्टेंस टू अटैक अगेंस्ट सल्फेट अल्कलीज क्लोराइड केमिकल्स, ये रेजिस्टेंस पावर कंपेयर्ड टू पीपीसी इज लोअर, रेजिस्टेंस टू अटैक अगेंस्ट सल्फेट्स अल्कलीज क्लोराइड इज लोअर एज कंपेयर टू पीपीसी, वाइल इन पीपीसी इट हैज मोर रेजिस्टेंस टूवर्ड्स द अटैक ऑफ सल्फेट्स अल्कली क्लोराइड एंड केमिकल्स एज कंपेयर टू ओपीसी। वी ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मेड यूजिंग ओपीसी इज लेस देन दैट ऑफ कॉन्क्रीट मेड यूजिंग पीपीसी, मतलब जहां ओपीसी कॉन्क्रीट यूज ओपीसी सीमेंट यूज करके जो कॉन्क्रीट होता है उसका ड्यूरेबिलिटी पीपीसी सीमेंट यूज करके जो कॉन्क्रीट होता है उससे कम होता है। वही मतलब ड्यूरेबिलिटी कॉन्क्रीट मेड यूजिंग पीपीसी सीमेंट यूज करके जो कॉन्क्रीट होता है उसका ड्यूरेबिलिटी हायर होता है जहां ओपीसी यूज करके कॉन्क्रीट किया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है ओपीसी के इसमें, जबकि पीपीसी के इसमें 10-25% पोजोलोनिक मटेरियल रहता है, इसलिए वो लेस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो पीपीसी को इसके लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली बोला गया कंपेयर टू ओपीसी, ओपीसी से ज्यादा पीपीसी एनवायरमेंटल फ्रेंडली सीमेंट है। तो इसमें और बायो प्रोडक्ट्स लाइक थर्मल स्टेशन और इसमें फ्लाई ऐश वगैरह यूज किया जाता है, इसके तो साथ ही एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी कम करता है। ओपीसी जो मोस्ट कॉमनली यूज किया हुआ सीमेंट है, इसका हायर ग्रेड है 53 ग्रेड, ये ज्यादा रिकमेंड किया नहीं जाता प्लास्टरिंग वगैरह फिनिशिंग वर्क के लिए, क्योंकि उसकी हायर ग्रेड होने की वजह से श्रिंकेज क्रैक्स आने के चांसेस ज्यादा है, और ये मेनली मैसनरी वर्क मोर्टर स्ट्रेंथ इनिशियल पीरियड इसके लिए भी ये क्रिटिकल है, मतलब इसके लिए भी ओपीसी ज्यादा सजेशन नहीं करते। तो ओपीसी मेनली स्ट्रक्चरल मेंबर्स के लिए है, इसे स्लैब कॉलम बीम्स इस कॉन्क्रीटिंग के लिए, मतलब मेन जो RCC कॉन्क्रीट है उसके लिए ज़्यादातर आइडियल है। तो मेनली इसका एप्लीकेशन कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ओपीसी का मेनली आइडियल एप्लीकेशन या आइडियल यूज है मेनली कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, रोड ब्रिजेस, फ्लाईओवर, हेवी डिफेंस स्ट्रक्चर्स, उसके लिए ये ज़्यादातर यूज किया जाता है। जबकि पीपीसी है ये ऑल टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जाता है, वेदर इट इज RCC वर्क इन रेसिडेंट, RCC वर्क इन रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, मरीन वर्क्स, मास कॉन्क्रीट जहाँ है वहाँ ये ज़्यादातर यूज किया जाता है, जहाँ डैम यूज फाउंडेशन से रोड्स रनवे ब्रिजेस फ्लाईओवर एट्सेट्रा जो भी मतलब मास फाउंडेशन मास कॉन्क्रीटिंग जहाँ है उसके लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके साथ ही ये प्लास्टरिंग मैसनरी टाइलिंग वाटरप्रूफिंग वर्क के लिए भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा ओपीसी और पीपीसी सीमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, पहली बार अगर चैनल देख रहे हैं तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।